हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। क्लास टेंथ इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये फर्स्ट चैप्टर है, अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। इसका ये क्वेश्चन आंसर है। यदि क्वेश्चन आंसर आप रीड करते हैं मेरे साथ साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप वैसे ही लर्न कर सकते हैं। इसका हम हिंदी भी बताएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता करो, या पढ़ें और पता करें। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज मिसेस पॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी मिसेस श्रीमती जो पॉम्फ्रे हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। इसका आंसर है, मिसेस पॉम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी श्रीमती पॉम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ बिकम लिस्टलेस, क्योंकि वह बेशुद्ध हो गया है। लिस्टलेस मीन्स बेशुद्ध, क्योंकि वह बेशुद्ध हो गया है। ही इज शोइंग नो एंथुजियाज्म फॉर एक्सर्शन, क्योंकि वह परिश्रम के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। ही हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग, और उसने कुछ भी खाना बंद भी कर दिया है। ही हैज़ रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पसंदीदा व्यंजनों को भी मना कर दिया है, वो भी नहीं खा रहा है। ही हैज़ बैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे उल्टी के दौरे भी पड़ चुके हैं, है ना, दौरे भी पड़ चुके हैं। ही स्पेंड्स ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वह अपना सारा समय जो है, सारा टाइम जो है, गलीचे पर लेटकर बिताता है। ही इज आल्सो सीन पेंटिंग, और वह हांफते हुए नजर भी आता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, यानी वो उसकी मदद के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, और क्या वह इसमें समझदार है, यानी वह इसमें बुद्धिमान है। आंसर है इसका, सी स्टार्ट्स गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, यानी वह उसे बढ़ाने के लिए कुछ भोजन अतिरिक्त देना शुरू कर देती है, अधिक भोजन देती है, टू बिल्ड हिम अप, यानी उसको बढ़ाने के लिए। सी स्टार्ट्स गिविंग हिम, यानी उसे देना आरंभ करती है, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अधिक, थोड़ा अधिक, बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, यानी उसे बढ़ाने के लिए, यानी उसे बढ़ाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा उसको देना शुरू कर देती है, अतिरिक्त देना शुरू कर देती है। सी आल्सो गिव्स सम माल्ट, कोल्ड लीवर आयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और वह रात में उसे सोने के लिए, रात में सोने के लिए कुछ मैट, कुछ कार्ड लीवर आयल और कुछ हार्लिक्स का कटोरा भी देती है। नो, नहीं, सी इज नॉट वाइज इन दिस, नहीं वो इसमें समझदार नहीं है, यानी इसमें बुद्धिमान नहीं है। इट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन हिम, यानी इसका उस पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी ठीक उल्टा प्रभाव पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, Who does I refer to in this story? यानी यहाँ पे I किसके लिए रेफर किया गया, इस कहानी में मैं किसका उल्लेख करता है। तो डॉक्टर हैरियट इज द आई इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में जो डॉक्टर हैरियट हैं उनके लिए मैं का यूज हुआ है, आई का। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो वक्ता है, जो नरेटर है, जो कथावाचक है, वह ट्रिकी की मालकिन जितना ही धनी है, यानी जितना वो धनी है। नो, नहीं, ही इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पॉम्फ्रे, यानी वह उतना धनी नहीं है जितना कि ट्रिकी की मालकिन है मिसेस पॉम्फ्रे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसका आंसर है, ही हैज मेड अप अ बेड फॉर ट्रिकी इन अ वार्म लूज बॉक्स नियर द अदर डॉग डॉर्मेट्री, यानी वह जो है दूसरे डॉग डॉर्मेट्री के पास में एक वार्म लूज बॉक्स में ट्रिकी के लिए एक बिस्तर बनाया है, ट्रिकी के लिए एक बिस्तर बनाया है वो डॉक्टर। Keeps a close eye on him,
और उस पर कड़ी नज़र भी रखते हैं वो। ही डजंट गिव हिम एनी फूड, और वह उसको कोई खाना नहीं देते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और दूसरी ओर वो उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। ही नोटिसेस द डेली प्रोग्रेस मेड बाय ट्रिकी, और वह ट्रिकी द्वारा की गई दैनिक जो भी प्रगति होती है, रोज़ की जो प्रगति होती है, उसे नोटिस करते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार ही ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी, इस प्रकार वह कुत्ते का देख रेख करते हैं या उसका ट्रीट्स करते हैं, यानी छलावा करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी वह ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में रखने की क्यों ललचाता है, वो क्यों चाहते हैं कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए रख ले अतिथि के रूप में। इसका आंसर है, ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एन अ परमानेंट गेस्ट, यानी वह ट्रिकी को एक अस्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए ललचाता है। बिकॉज, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे सेंड्स 2 dozen राउंड फ्रेश एग्स एवरी डे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो हैं प्रतिदिन 2 दर्जन गोल ताजे अंडे भेजती हैं उसके लिए। सी आल्सो सेंड्स बॉटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, हर फेवरेट ड्रग, है ना। और वह अपने पसंदीदा कुत्ते ट्रिकी के लिए शराब और ब्रांडी की बोतलें भी भेजती हैं। दीज थिंग्स आर फिस्टेड अपान बाई मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, और इन चीज़ों को जो श्री हैरियट हैं और उनके जो सहयोगी हैं द्वारा मनाया जाता है, यानी वो लोग खूब जश्न मनाते हैं, इसको पीते खाते हैं, है न। 7 नंबर है, वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी श्रीमती जो पम्फ्रे हैं वो कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत क्यों उनको लगता है, उनको क्यों लगता है कि सर्जरी की जीत है, है ना। तो आंसर है, मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट, यानी मिसेस पम्फ्रे सोचती हैं कि द डॉग्स रिकवरी इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कुत्ते को सर्जरी से ठीक हो जाना उनकी जीत है। बिकॉज, क्योंकि सी फाइंड्स अ कंप्लीट चेंज इन हिम, क्योंकि वह उनमें पूर्ण परिवर्तन पाती हैं, यानी उस कुत्ते के अंदर पूरा परिवर्तन पाती हैं। ही इज नो लॉन्गर लिस्टलेस, अब वह बिल्कुल सुचहीन नहीं है, यानी अब वह उबाऊ नहीं, अब फुर्तीला हो गया है। ही लुक्स लिवली, और वह बहुत जीवंत दिखता है, अब पहले मरा मरा सा दिखता था लेकिन अब जीवंत दिखता है। ही हैज गेंड हिज एंथुसियाज्म बैक फॉर एक्सर्शन, और वह अपना जो भी उत्साह है फिर उसने वापस पा लिया है। ही हैज कम टू हिज नॉर्मल सेल्फ, और वह अपने सामान्य स्वास्थ्य में आ गया है, यानी फिर वह स्वस्थ हो गया है। ओके, इसी में नेक्स्ट आपका आता है थिंक अबाउट इट, यानी इसके बारे में भी सोचें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? यानी आपको क्या लगता है कि कथावाचक जो है एक पशु चिकित्सक किस तरह का व्यक्ति है, और क्या आप कहेंगे कि वह व्यवहार कुशल होने के साथ साथ सामान्य ज्ञान से भी वो भरपूर है? इसका आंसर है, आई थिंक द नरेटर, मैं सोचता हूँ कि जो वक्ता है, जो कथावाचक है, वेटरनरी सर्जन इज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन, यानी एक जो वेटरनरी सर्जन होता है ना, वह बहुत ही चतुर व्यक्ति होता है, बहुत ही चतुर होता है। ही नोज हाउ टू डील विथ पीपल, वह जानता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वह जानता है कि लोग साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू दिस सर्कमस्टेंसेस, यानी वह खुद को परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को वो ढाल लेता है। ही इज फुल ऑफ कॉमन सेंस आल्सो, और वह जो है सामान्य ज्ञान से भी भरा होता है, जो कॉमन सेंस होता है उससे भी वो भरा होता है। ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज प्रॉब्लम, वह तुरंत ही यानी ट्रिकी की जो समस्या होती है उसको वो समझ जाता है। ही यानी ट्रिकी डजंट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, और ट्रिकी जो है किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त
नहीं है। द मेन काज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग, और उसकी बीमारी का जो प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है, वो आवश्यकता से अधिक खिलाना है, ओवर फीडिंग है। ही टेक्स हिम टू हिज सर्जरी, यानी वो उसको सर्जरी ले जाता है। देयर ही कीप्स हिम अ नेचुरल एनवायरमेंट, और उसे वह बिल्कुल वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में रखता है। मिसेस पॉम्फ्रे सेंड्स 2 dozen ऑफ फ्रेश एग्स बॉटल्स ऑफ वाइन एवरी डे फॉर ट्रिकी, यानी जो श्रीमती पॉम्फ्रे हैं वो ट्रिकी के लिए प्रतिदिन 2 dozen ताज़े अंडे, शराब की बोतलें भेजती हैं। 2 dozen अंडे, है ना। आल दीजे डेलिकेसीज आर इंजॉयड बाय हिम एंड हिज फ्रेंड्स, और इन सभी व्यंजनों का जो आनंद है उसे और उसके दोस्तों के द्वारा लिया जाता है, यानी हैरियट और उनके दोस्त के द्वारा, है ना। देयरफॉर ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और इसलिए वो चाहते हैं कि ट्रिकी अस्थायी रूप से उनका मेहमान बन के रहे, उसीलिए वो ललचाते हैं। यानी द डॉग गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द सर्जरी, और कुत्ता जो है उनकी देख रेख और सर्जरी के प्राकृतिक वातावरण में ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, यानी ट्रिकी घर जाने जाकर खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, यानी आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा। आंसर इसका यस, हाँ, आई थिंक दैट ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, यानी हाँ मुझे लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश था या खुश थी। ही वॉज आल्सो हैप्पी एट दी सर्जरी, यानी वह ऑपरेशन से भी खुश था। वेन ही वॉज ब्रॉट इन टू द सर्जरी, यानी जब उसको सर्जरी में लाया गया, ऑपरेशन में लाया गया, ही वॉज इल, वह बीमार था। बट ही वॉज क्योर्ड इन 2 days, परंतु वह 2 दिन में ठीक हो गया था। नो मेडिसिन वॉज गिवन टू हिम, और उसको कोई दवा भी नहीं दिया गया था। अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्ड हिम अ लॉट इन हिज स्पीडली रिकवरी, और उसको उचित आहार और नियमित व्यायाम से उसको तेजी में ठीक होने में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिली थी, मदद मिली थी। ही वॉज चेंज्ड इन अ स्विफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एनिमल, और वह बिल्कुल एक तेज और बिल्कुल एक लचीले जानवर में बदल गया था। ही रिगेन्ड हिज बेस्ट हेल्थ एंड वॉज नो लॉन्गर लिस्टनेस, और वह बिल्कुल उसने अपना सबसे अच्छा स्वास्थ्य वापस पा लिया था, और वह बेकार भी नहीं था अब। ही बिगेन टू शो एंथुसियाज्म फॉर एक्सर्शंस, और वह परिश्रम के लिए बिल्कुल उत्साह दिखाने लगा था, जो पहले वो नहीं दिखाता था। नाउ अब आई थिंक द सेम पेम्परिंग विल स्टार्ट ओवर ऑल ओवर अगेन, यानी अब मुझे लगता है कि लाड़ फिर से शुरू होगी, यानी फिर से लाड़ प्यार शुरू कर देंगी। मिसेस पॉम्फ्रे विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ हिम, यानी श्रीमती जो पॉम्फ्रे हैं उसकी अत्यधिक देखभाल करेंगी, है ना। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लव एंड अटैचमेंट, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उनका प्यार और उनका लगाव बहुत ज़्यादा है, है ना। बट इट फाइंड्स गुड इन थ्योरी ओनली, लेकिन यह केवल सिद्धांत में ही अच्छा लगता है, है ना। इट इज नोन दैट पेम्परिंग इज हार्मफुल, यह जाना जाता है, सब माना जाता है कि लाड़ प्यार करना जो हानिकारक होता है ना। इट इज पुट इन प्रैक्टिस, और इसको अभ्यास में रखा जाता है। मिसेस पॉम्फ्रे विल मेकिंग हिम फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, और मिसेस जो पॉम्फ्रे हैं वो इसे यथासंभव सहज महसूस कराएंगी, है ना, कि ताकि उसको और दिक्कत फिर आगे चल के ना हो। सी विल ओवर फीड हिम अगेन, यानी वह उसे फिर से खिलाएंगी। इट वुड रिजल्ट इन हिज इलनेस अगेन, और फिर यही उसकी बीमारी का कारण बनेगी, यानी फिर यही उसकी बीमारी की कारण बनेगी। 3 नंबर है, डू यू थिंक दैट इज अ रियल लाइफ एपिसोड,
यानी क्या आपको लगता है कि यह वास्तविक जीवन का प्रकरण है, एपिसोड है, आर मेयर फ्रिक्शन या मात्र कल्पना है ये, आर इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ या ये दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है? आंसर है आई थिंक दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एपिसोड एंड फिक्शन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ और एपिसोड फिक्शन दोनों का ये मिश्रण है। हियर इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में मिसेज पॉम्फ्रे डिस्क्राइब्ड एज अ रिच लेडी, यानी मिसेज जो पॉम्फ्रे हैं उनको अमीर महिला के रूप में उनका वर्णन किया गया है। सी हैज अ पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता है, हिज नेम इज ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी है उसका नाम। द प्रेजेंट स्टोरी डील्स विद द प्लाइट ऑफ दिस डॉग, यानी उसका नाम पेचीदा है, सॉरी ट्रिकी है। प्रस्तुत जो कहानी है इसमें कुत्ते की दुर्दशा से संबंधित है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पैम्परिंग बाय हिज मिस्ट्रेस, और यह उसकी मालकिन जो होती हैं उनके लाड़ प्यार के कारण ऐसा होता है। दैट ट्रिकी, जो कि ट्रिकी है, ट्रिकी ओवर फिड्स विच रिजल्ट इन हिज इलनेस, और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती हैं, ओवर ज़्यादा खिलाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बीमारी होती है। ऑल्दो इट इज़ क्लियर दैट, यद्यपि यह बिल्कुल साफ है कि सी डज ऑल दिस आउट ऑफ लव एंड अटैचमेंट फॉर द डॉग, ऐसा पूरे तरीके साफ है कि यह सब कुत्ते के लिए प्यार और लगाव के कारण ऐसा करती हैं। सी हैज गुड इंटेंशंस इन हर माइंड, यानी उनके नियत में, उनकी अच्छी नियत है, उनके दिमाग में अच्छी मतलब नियत अच्छी है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर जो व्यवहार में देखा जाए तो इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर द डॉग, यानी यह कुत्ते के लिए हानिकारक साबित होता है। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज फिक्शन बाय दोज हु डू नॉट टेक इट सीरियसली, यानी जो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं ये एपिसोड को काल्पनिक मान सकते हैं, जो सीरियसली नहीं लेते तो काल्पनिक मान सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ एपिसोड, और इसको हम वास्तविक जीवन का प्रकरण कहा जा सकता है, रियल लाइफ एपिसोड। विच गिव्स द मोरल इफ पेरेंट्स शोज एक्सेसिव केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन, यानी प्रकरण कहा जा सकता है कि अगर नैतिक हमें यह देता है कि यदि कोई भी माता पिता ऐसे अपने बच्चों को अत्यधिक देखभाल कर देते हैं, अत्यधिक उनकी परवाह कर लेते हैं, तो क्या होता है। Showing any type of love and attachment is not only dangerous but absolutely wrong for the child. देखभाल अत्यधिक कर लेते हैं तो वो खराब हो जाएंगे। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बार बार लाड़ प्यार न करें। किसी भी तरह का प्यार और लगाव दिखाने का अधिकता न केवल खतरनाक बल्कि बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है। सी हैज़ गुड इंटेंशन इन हर माइंड, यानी उनके मन में अच्छी नीयत है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन व्यवहार में, इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर डॉग, लेकिन यह कुत्ते के लिए हानिकारक साबित होता है। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज फिक्शन बाय दोज हु डू नॉट टेक इट सीरियसली, यानी वे लोग जिसे जो इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं वे इसे इस एपिसोड को काल्पनिक मात्र समझ सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ एपिसोड विच गिव्स द मोरल इफ पेरेंट्स शोज एक्सेसिव केयर फॉर देयर चाइल्ड दे विल गेट स्पॉइल्ड, यानी वे इसे वास्तविक जीवन का प्रकरण कहा जा सकता है, जो नैतिक शिक्षा देता है कि यदि माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक देखभाल करते हैं, केयर करते हैं अत्यधिक, तो वे खराब हो जाएंगे। वे खराब हो जाएंगे अत्यधिक देखभाल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब। द पेरेंट्स शुड नॉट पेम्पर देयर चिल्ड्रेन इनसेसेंटली, यानी माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बार बार लाड़ प्यार न करें। द एक्सेस ऑफ शोइंग एनी टाइप ऑफ लव एंड अटैचमेंट इज नॉट ओनली डेंजरस बट एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, यानी इस प्रकार का किसी भी तरह का प्यार और लगाव दिखाने की अधिकता जो होती है केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है। इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। वन कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिकी इन रियल लाइफ,
और वास्तविक जीवन में ट्रिकी का उदाहरण लिया जा सकता है। व्हाट एवर हैपन टू ट्रिकी वाज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पैम्परिंग, यानी ट्रिकी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण हुआ है। इफ मिसेज पम्परे हैड नॉट एक्सेसिव पैम्पर्ड ट्रिकी, यदि मिसेज जो पम्फ्रे हैं ट्रिकू को अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं की होती, इट वुड नॉट हैव सफर्ड फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो उसे इस स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं नहीं होती। नेक्स्ट है वी टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ रिच वुमेन हु इज फुलिशली इंडलिजेंट, परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। यह प्रसंग एक अमीर महिला के मूर्खतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करता है जो मूर्खता से भोगी है। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली, शायद इसीलिए वह अकेली है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग केवल मूर्ख हैं? आर कैन देयर एक्शंस काज हार्म टू अदर्स, या उनके कार्यों से दूसरों का नुकसान हो सकता है, आपको क्या लगता है? दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमेन हु इज फुलिशली इंडलिजेंट, यानी यह प्रसंग एक धनी महिला के मूर्खतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करता है जो मूर्खता में एकदम बिल्कुल लिप्त है। दिस में भी बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस, और यह उसके अकेलेपन के कारण ऐसा हो सकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सच पीपल आर मेयरली सिली, यानी ऐसे लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं। दे आर इग्नोरेंट अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस, यानी वे अपने कार्यों के परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं। दे शो देयर एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन फॉर समवन विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वे परिणामों को जाने बिना किसी के लिए अपना अत्यधिक लाड़ और प्यार यानी स्नेह दिखाते हैं। बट देयर इज नो डाउट दैट देयर इंटेंशंस आर गुड, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि उनके इरादे नेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीके से चीज़ को खिलाते हैं। सच एक्शंस कैन काज हार्म टू अदर्स, और इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं वो दूसरे के लिए नुकसान हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। इफ मिसेस पम्फ्रे हियर इन दिस स्टोरी हैड नॉट पैम्पर्ड ट्रिकी, यानी इस कहानी में यदि जो मिस्टर पम्फ्रे हैं इस प्रकार से लाड़ प्यार नहीं की होती, इट वुड नॉट हैव सफर्ड फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए किसी भी मतलब कोई भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है। टेम्परिंग इज बैड फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स, यानी लाड़ प्यार करना इंसानों के लिए यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बुरा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे, यानी क्या आपको लगता है कि श्रीमती पम्फ्रे जैसे माता पिता भी हैं? यस, हाँ बिल्कुल, आई थिंक देयर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे, हाँ मुझे भी लगता है कि श्रीमती पम्फ्रे जैसे भी माता पिता हैं। बट दिस इज नॉट गुड फॉर देयर चिल्ड्रेन, लेकिन यह उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। दे शो एक्सेसिव लव एंड केयर एंड मेक द चाइल्ड कवर्ड, यानी वे अत्यधिक प्यार और देखभाल दिखाते हैं और बच्चे को कायर बनाते हैं ना। द चाइल्ड मे ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड इन द प्रोसेस, और बच्चा भी इस प्रक्रिया में बिल्कुल खराब हो सकता है। पैम्परिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स शुड अवॉइड इट एट ऑल कास्ट, है ना। और लाड़ प्यार करना बच्चे के लिए बिल्कुल गलत है, और माता पिता को भी इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। हियर इन दिस स्टोरी इफ मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट शोन एक्सेसिव लव एंड केयर, ट्रिकी वुड नॉट हैव फॉलन इल, यानी इस कहानी में यदि मिसेज जो पम्फ्रे हैं वह अत्यधिक लाड़ और प्यार नहीं दिखलाई होती तो ट्रिकी बीमार नहीं पड़ता। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर, यानी अगर आप होते तो क्या करते। ए मेंबर ऑफ स्टेफन मिसेस पम्फ्रे हाउस होल्ड, यानी श्रीमती पम्फ्रे के घर में स्टाफ के सदस्य अगर जो आप होते, उनके घर में स्टाफ के सदस्य होते तो आप क्या करते। और नेबर यदि पड़ोसी होते तो क्या करते। वुड यू योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल, यानी आपका जीवन सामान्य रूप से कैसा रहा होगा।
इसका आंसर है इफ आई वर अ मेंबर ऑफ स्टाफ इन मिसेस पंफ्रेज हाउस होल्ड, यदि मैं मिसेस श्रीमती पंफ्रे के घर में कर्मचारी के सदस्य होता तो आई वुड एडवाइज हर नॉट टू शो एक्सेसिव लव और अटैचमेंट टूवर्ड्स द डॉग, तो मैं उन्हें कुत्ते के प्रति कुछ अत्यधिक प्रेम और लगाव न दिखाने की सलाह देता कि आप ज़्यादा लगाव मत दिखाइए। आई वुड वार्म हर अबाउट द हार्मफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ पैम्परिंग, और मैं उसे लाड प्यार के हानिकारक परिणामों के बारे में चेतावनी देता कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता दैट पैम्परिंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स एलिमेंट्स, यानी मैं उनको बताऊंगा कि कुत्ते की जो बीमारी के लिए लाड़ प्यार जिम्मेदार था। आई वुड एडवाइज हर टू चेक द डाइट ऑफ द डॉग एज द रिजल्टेड इन द बिकमिंग डल लेजी एंड ग्लटन, यानी मैं उस कुत्ते के आहार की जांच करने की सलाह दूंगा क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप वह सुस्त आलसी और पेटू हो गया था। सेकेंड इसमें इफ आई वर अ नेबर, यदि मैं पड़ोसी होता आई वुड गिव अ पीस ऑफ एडवाइस दैट पैम्परिंग इज बैड फॉर द पीपल एज वेल एज द फार्मर्स सॉरी एनिमल्स, यानी तो मैं उन्हें सलाह देता कि लाड़ प्यार करना लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत बुरा है। आई वुड हैव आस्क्ड हर टू स्टॉप पैम्परिंग द डॉग, यानी मैं उनसे ये कहता कि कुत्ते का लाड़ प्यार बंद करने को कहता कि उनसे इतना ज़्यादा लाड़ प्यार मत करिए। आई वुड हैव टू टोल्ड हर नॉट टू बी सिली एज हर एक्शन माइट काज हार्म टू अदर्स, यानी मैं उन्हें कहता कि मूर्ख मत बनो क्योंकि उसके कार्यों से दूसरों का नुकसान हो सकता है ना। इन जनरल यानी सामान्य तौर पे माई लाइफ वुड हैव बीन सिंपल, यानी मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल साधारण होती है होगी। आई वुड नॉट हैव केयर्ड एनीबडी एक्सेसिव, यानी मैं किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करता। आई वुड हैव हिडन माई इमोशंस एंड लव, मैं अपनी भावनाओं और प्यार को छुपाया होता। फोर्थ नंबर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर प्लेस, यानी यदि आप नरेटर की जगह होते तो क्या करते। तो इफ आई वर इन द नरेटर प्लेस, यदि मैं नरेटर की जगह पे होता, कथावाचक की जगह पे होता, आई वुड हैव बिहेव्ड इन द सेम मैनर एज द नरेटर्स बिहेव्ड, यानी मैं भी वैसा ही व्यवहार करता जैसा कि एक कथावाचक व्यवहार कर रहा था। आई वुड ऑल्सो हैव यूज द सेम टेक्स्टफुलनेस एंड कॉमन सेंस लाइक हिम, यानी मैं उसी की तरह चतुराई और सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया होता, सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करता। दिस वुड हैव बीन द ओनली वे टू कोप विद द सिली बिहेवियर ऑफ रिच वुमैन हु इज फुलिशली इनडल्जेंट, यानी एक अमीर महिला जो थी अपने मूर्खतापूर्वक व्यवहार से निपटने का एकमात्र तरीका होता जो मूर्खता से भोगी होती है ना। ऑल्दो इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस, और हालांकि यह उसके अकेलेपन का कारण था। एट सी वुड नॉट हैव बीन सिली इन हर बिहेवियर, लेकिन फिर भी वह अपने व्यवहार में मूर्ख नहीं होती। सी वुड हैव रियलाइज दैट हर एक्शन कुड हार्म ट्रिकी, यानी उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जो हरकतें हैं वो ट्रिकी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ डॉक्टर हैरियट दैट ट्रिकी गॉट वेल हु टूक हिम टू हिज सर्जरी, यानी यह डॉक्टर हैरियट की वजह से ही ट्रिकी ठीक हो गया जो उन्हें एक सर्जरी के लिए ले गए। इट बिकेम द टेम्पटेशन फॉर द नरेटर टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, बिकॉज मिसेस पॉम्फ्रे यूज टू सेंड 2 dozen राउंड फेस एक्स एवरी डे, यानी कथाकार के लिए अस्थाई अतिथि के रूप में जो फ्रिकी था उसको रखना एक प्रलोभन बन गया था क्योंकि जो श्रीमती पॉम्फ्रे प्रतिदिन 2 dozen गोल ताजे अंडे भेजती थी। सी ऑल्सो सेंट बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, और उसने ट्रिकी के लिए शराब और ब्रांडी की बोतलें भी भेजी। दीज वर फिस्टेड अपॉन बाय द नरेटर एंड हिज पार्टनर्स, और इन्हें कथावाचक और उनके सहयोगियों ने दावत दी थी, है ना।
But there is no harm in doing so. A silly sort of woman could be treated in this way only. लेकिन ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मूर्खतापूर्वक प्रकार की महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा सकता है. डॉक्टर हेरियट वॉज वेरी क्लियर इन दिस इन हिज अप्रोच. और जो डॉक्टर हेरियट थे अपने दृष्टिकोण में बहुत ही चतुर थे. तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.